आइए दोस्तों, आज मिलते हैं फिर एक नामचीन और मेरे हिसाब से एक, मैं आज जो क्रिकेट की इंटरव्यू करने वाला हूँ, वो शख्स जो है जिन्होंने पुराना क्रिकेट भी और नए क्रिकेट भी, तो ट्रेडिशनल क्रिकेट एज वेल एज न्यू क्रिकेट दोनों को मिलाने वाले जो क्रिकेट खिलाड़ी है, और उनको मैं मिलाने जा रहा हूँ, जिनकी पहचान श्रीधर मांडले सर मेरे साथ में आज है, और इस प्रोग्राम के हमारे क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से और योगी स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं आपका वेलकम हूं सर। आप इस प्रोग्राम में आए, जो हमारे लॉकडाउन पीरियड में आप जो आपका समय दे रहे हो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया हूं। सर, प्लीजर आपको प्लीजर कैसा माय लगता है प्लीजर। ये, आपको कैसा लगता है ये सब? ये सब अभी क्या बताऊं मैं, अभी आपको पता है इसमें, क्योंकि हम लोग उधर जाते ग्राउंड पे जाके खेलना और इधर ऐसा इस पे इंटरव्यू देना थोड़ा सा जरा प्रॉब्लमेटिक रहता है, बट अभी अभी यूज टू इट हुआ है। अरे तो अभी आप कर अभी लेते हुए दिस इज अटैकिंग, ऑन 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 जूम एंड ऑल, इट इज अ गुड एक्सपीरियंस एंड इट्स गुड यस लर्निंग, यस तो मजा भी आता है और आई विल एंजॉय टू शेयर माय थोड़ा सा जो रहता है अपना जो किस्से रहते हैं क्रिकेट के, वो जी शेयर करने को बहुत एंजॉय करता हूं मैं। सर, मैं आज यही चाहता हूं। अभी मुझे तो श्रीधर भाई, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, आपका क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्कूल क्रिकेट से? एज अ क्रिकेट करके मेरे को गेम पसंद नहीं था, ये आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि आई वॉज अ ब्रिलियंट एथलीट, मैं क्या बहुत बात है, अच्छा एथलीट था, स्कूल में बहुत प्राइजेस मिलता था, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक दोस्त ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, मेरा क्लासमेट संजू चुटके करके, आज भी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने मेरे को मेरा नाम दिया। और जब भी आपने हमारे जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे क्रिकेट के, केवी देशपांडे सर, वो हमेशा क्लास में घूमते थे कि नए नए लड़के ढूंढने के लिए एवरी ईयर के लिए, क्योंकि जूनियर से सीनियर, सीनियर से फिर निकल जाते थे ना हर एक बैच में, तो वो ऐसे बिल्कुल आते थे, तो इसने ये मेरा बंदे ने मेरा नाम दे दिया, और जो कैसा हो गया मैं सिलेक्ट हो गया और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके और रीजन ऐसा था कि उसका बड़ा भाई स्कूल के टीम के लिए खेलता था, वो आपको मैं मेरे आपको मालूम नहीं पता होगा, लेकिन शायद शाहबुद्दीन को मालूम रहेगा कि शाहबुद्दीन जो आपके बड़े भाई है वो जी सीनियर थे हमारे से, और उनके साथ वो उसका भाई खेलता था राजू चुटके करके। हाँ, ओके तो उसको वो उसको देखता था, बोलता है उसको खानके बिल्डिंग में रहता था दादर में, उसको बहुत वो क्या हीरो जैसा बिहेव करने का, बोलता है क्रिकेट का कपड़ा उपड़ा डाल के जाता, तो उसको थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा जेलेसी हो गया था, बोलता मैं भी खेलूंगा ऐसा करूंगा वैसे कर, तो उसने मेरे को जबरदस्ती डाल दिया उसको, तो वो उसका जो फेम दिख रहा था उसका कि उसको बहुत भाव मिलता है, क्रिकेट खेलता है तो दोस्त लोग बहुत ये करते हैं, पेपर में नाम आता है, पर उसका ओके उसका मेन पर्पज था ये था कि चार चार पीरियड जो रहते थे दोपहर का स्कूल था, वो उसको बंक करना करने को मिलना मांगता है उसका, वो ओके मेरा मेन टेम्पो ये था, मोटी मोटी ये था वो, तो मेरे को उस सब कुछ ये नहीं था उसमें, तो मेरे को मेरा भी नाम दिया, मैं सिलेक्ट हुआ और वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये किस्मत की बात है, ऐसा मेरा स्कूल का टीम में एंट्री हो गया। ओके तो अभी केवी देश पांडे और वो आपके दो सुट्टे सर, सुट्टे भाई जिन्होंने आपके प्रमोट किया क्रिकेट के लिए, तो वहां से आप दयालशील हरीशील का क्रिकेट करियर चालू, जैसे नॉर्मल सब क्रिकेटर का चालू होता यस है वैसा चालू होगा रहेगा। तो एग्जैक्टली सर, तो सी ये जो दौर चला आपका वो पीरियड में, स्कूल के कुछ मैच के किस्से या हरीशील गायशील के बारे में, या अपने स्कूल के कोच थे अन्ना वैद्य, और मेरे ख्याल से मेरा जो, मैं तो जूनियर भी रहा आपको, बट आपका नेचर काफी मजाकिया था उस वक्त, तो स्टोरी भी काफी, तो ऐसी कोई खास मेमोरी जो स्कूल पीरियड में आपका चला क्रिकेट में? अरे ऐसे तो इतने किस्से हैं कि कुछ मैं पूरी शाम निकल जाएंगे तो भी आप अन्ना अन्ना वैद्य सर अपने कोच के उनके किस्से खत्म नहीं होंगे, आपको भी बिल्कुल पता है, बिल्कुल लेकिन मैं एक बिल्कुल दो ऐसा बता सकता हूँ कि जब भी अन्ना हमारा नेट चलता था 3:30 4 बजे से चालू होने का, 5:30 6 बजे तक खत्म होने का,
और एवरी डे बैटिंग बॉलिंग कुछ ना कुछ चालू रहता था, सेशन चालू रहता था, लेकिन वो फील्डिंग का जो दौर रहने का वो बहुत मजा रहता था। और हमारे कोच यू नो इन ऑल ओवर बॉम्बे ही वॉज वेरी फेमस इन फील्डिंग, यू नो एक फील्डिंग का, एक फील्डिंग देने का लेने का कुछ मजा ही अलग है। और हम लोग क्या है, हम लोग उसे अच्छा एथलीट होने के बाद उसे हम कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, कैचेस बीचेस हम लोग अच्छी तरह से लेते थे, लेकिन उनका एक ये था, जुनून था, जब भी वो आते थे फील्डिंग प्रैक्टिस देने, जब भी चालू करते थे तो एक ही ये निकालते थे, नॉट ग्लव्स, इनर बोलता है हम लोग, ओके ग्लव्स के अंदर डालते ना, एक ही इनर रहता था, आपको पता होगा, और एक ही इनर पीछे का पॉकेट से निकालने का, राइट हैंड में डालने का, और बैट पकड़ने का और चालू करने का, चलो जलाल सब 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 लोग आ जाओ, और फिर वो जिमखाने की तरफ से वो सब हम लोग साथ में उधर जाते थे, और अन्ना इधर से नेट से फील्डिंग प्रैक्टिस चालू करते थे। और ये जो फील्डिंग प्रैक्टिस रहने के उसमें जो धमाल आने का, और जो उसमें जो जरा मोटे बीटे रहते थे उनकी तो अन्ना इतनी बजाते थे ना कि यस 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 कि पूछो मत, कि हंस हंस के पागल भी होने के। लेकिन उनका जो उनकी जो खासियत थी कि जो जैसा जैसा अंधेरा होने का वैसा उतना और बॉल ऊपर ऊपर जाने का, तो मजा ही रहने का, कैचेस भी छूटने के पकड़ने के भी, लेकिन उसके बाद फील्डिंग का सेशन खत्म होने के बाद एक सेशन ऐसा छोटा रहने का कि जो झुकने का प्रॉब्लम था, जिसका रनिंग का प्रॉब्लम था, उनको वो चुन चुन के बराबर लेते थे, और वो रोलर पे या फिर आप ऐसा नॉर्मल इस पे, एक जो हम लोग जो जिसको बोलते हैं ना वो कौन सा ये उल्टा ये करते हैं हम लोग, सो के उल्टा ये पकड़ते पाव कर पीछे करते हैं, कौन सा आसन बोलते हैं उनको, उसको अपन धनुर्धर आसन तो नहीं है मेरे का, एक जन को हाथ पकड़ने को बोल नहीं वो कुछ yes. उसको एक पर्टिकुलर ये बोलते हैं हाँ, तो वैसा वो पीछे एक जन को, और संदीप पाटिल भी कभी भी रहता था हमारे साथ, यू नो वो बालगंज से खेलता था, लेकिन और उसको मजा आने का, वो क्या करने का, वो पाव पकड़ने का और खींचने का पीछे से, ऊपर से पीछे से खींचने का, और अन्ना इधर से हाथ पकड़ के देने के, और जब तक वो आवाज नहीं आता है धाम धूम इधर से पीछे से आगे से, तब तक वो छोड़ते नहीं थे बिल्कुल, और जब भी ये होता था, लेकिन दो दिन तो वो जिसको लिया होगा वो कसरत में, वो तो उसकी तो पीठ बीट एकदम लूज होती थी, कमर एकदम ढीली होती थी, दो दिन तो उसको बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उसके बाद उसको एकदम वो जो फिटनेस रहता था वो महसूस होने का, वो एक खासियत थी उनकी कि जो 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 उन्होंने जो हम लोग के ऊपर जो फिटनेस के ये दिए ना लेसन दिए, दैट वाज द यू नो यू कैन से आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो हम लोग को क्रिकेट करियर का एंड तक यूज हो गया। हम लोग ये दो चार जो एक्सरसाइज थे, एक स्टेपिंग का, रनिंग का, ज्यादा नहीं भगाते थे वो, लिमिटेड भगाते थे, लेकिन वो परफेक्ट करके लेते थे, और उसमें जो तुम्हारा जो फ्लेक्सिबिलिटी वो अपने आप बढ़ जाती थी, तो ये बहुत मजेदार किस्सा रहने का और वो बहुत एंजॉय करने का। हम लोग नहीं, जैसा आपने बताया ना, जैसा अंधेरा होने का तो अन्ना के कैचेस में हाइट बढ़ने की, तो मेरे ख्याल से अन्ना के जैसे पब्लिक भी जमा हो जाने की अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस देखने के लिए क्या चल रहा है, और उसके साथ में जैसा वो सनसेट का टाइम और अन्ना का बॉल धूप में चमकने का वो मेमोरी, आपने जैसा बताया ना अन्ना ने इनर निकाला, तो हम लोग की तो हालत खराब होने की, आज चलो है भाई आज किसकी ना किसकी तो लगी है किसकी आज, बराबर। दूसरा जो रोलर पे खींचते थे, बट उसका बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी क्रिकेटर देखो अपने स्कूल में रहे, सबकी हाइट अच्छी बढ़ी, हाइट सबके हाइट और स्ट्रेंथ सभी उस वक्त, यस, तो सर का एक मेहरबानी रही हम लोग के ऊपर क्या वो उन्होंने करके लिए। इसके बाद में हरिशील में आपका परफॉर्मेंस तगड़ा होता गया, जैसा थोड़ा बहुत मैं भी आपके साथ में वो देखता था, फिर आप मुंबई स्कूल की टीम में आ गए, मुंबई स्कूल के लिए आप गए सिलेक्शन, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक स्टेप से आप आगे बढ़ गए? एक एक थोड़ा सा उसमें ये करता था मेरे को, ऐड कर जूनियर लेवल पे मैं जो खेला क्रिकेट आईपीएल के लिए, मैं बहुत नया था, मेरे को कुछ क्रिकेट का वैसा आप कहेंगे तो सी भी मालूम नहीं था क्रिकेट का जी, लेकिन मेरे को मेरे जो कलीग्स थे, मेरा कैप्टन था अनिल पाटिल, अलीम शेख, ये जो मेरे बैचमेट थे, दे वर फैंटास्टिक क्रिकेटर, क्योंकि उनका घर में क्रिकेट का माहौल था,
उन लोग के डैडी बीडी उनके बड़े भाई ऐसे सब कुछ ना कुछ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो उनका घर में एक वो एटमोसफेयर था और इन्होंने मेरे को बहुत बहुत संभाल के लिया वो टाइम में। और एक इसका मैं ये करूंगा, मेरे को संदीप पाटिल और एक अपना शाहबुद्दीन शेख और आपका बड़ा भाई जो अभी जो दुनिया में नहीं है जहीर भाई, वो मेरे को बहुत लाइक करता था मेरे जो, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था क्रिकेट का, मेरे को फ्रंट फुट डिफेंस क्या बैक फुट डिफेंस वो भी मालूम नहीं था कि क्रिकेट में ये होता है, मेरे को खाली बॉल बॉल गिरा कि मारने का इतना ही क्रिकेट मालूम था। तो इन्होंने मेरे को, अन्ना ने तो बेसिक सिखाया मेरे को, लेकिन इन्होंने मेरे को एक्चुअली एक चैनलाइज कर दिया ना वैसा, उन लोगों ने ये दिया मेरे को एक दिशा दे दी। और एक शाहबुद्दीन तो मेरे को दिल से बॉलिंग करता था और वो इतना तेज था वो टाइम में, ही वाज यू नो शार्प इन स्विंगर डाल बॉलिंग करने का, मीन भल भले के अंदर आके संदीप पाटिल के भी थोड़े आंधे होने के, इतना वो शार्प इन स्विंगर इन स्विंग बॉलिंग करने का, तो उनको खेल सीख के। और जहीर भाई तो क्या मेरे ऊपर फिदा थे, वो मेरे को बोलते नहीं नहीं श्रीधर तू ऐसा ही खेल राजा, कुछ कुछ किसका सुनने का नहीं, ऐसा बिंदास बैटिंग कर तो अपने आप रन हो जाएंगे। तो उन्होंने जो मेरे को मोटिवेशन दिया ना स्कूल में, वो बहुत मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, आज भी मैं उनका शुक्रगुजार कहता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी उन्होंने ऐसा टोका नहीं मेरा नेचुरल गेम खेलने के लिए। और अलीम और अनिल पाटिल इन लोग तो बेहतरीन बॉलर्स थे ऑफ स्पिनर में, मीन आई रियली फील सैड कि दे आर नॉट मेड टू प्ले फॉर बॉम्बे, दे आर दैट मच गुड। एक रहता है वो क्या अपॉर्चुनिटी मिलने की भी जरूरत रहती है, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर चांस मिलना भी जरूर होता है, यू नो अच्छी टीम मिलनी मिलना चाहिए आपको, कोई पिक करना मांगता है वो भी बात रहती है, बट दे वर फैंटास्टिक क्रिकेटर ऑफ स्पिनर, यू नो अलीम शेख आपका भाई और एक अनिल पाटिल कैप्टन। चलो आगे चलते हैं सर अपना से, मैं एक छोटी मुंह बड़ी बात थोड़ी आती है मुझे, क्योंकि आप जो उस वक्त बैटिंग करते अटैकिंग बैटिंग स्ट्रोक्स में पावर, तो आपको मच्छर भी करके बोलते थे कि मच्छर में ताकत कहां से आ गई, शायद याद आया क्या पता नहीं मुझे, बट हम लोग सुनते यार ये मच्छर है बट ये सॉलिड मारता है, बोले लंबा लंबा मारता है। तो जो स्कूल के मैचेस देखने हम लोग आके बैठते थे आरिशियल गाइड में, तो ये पावर कहां से है, क्योंकि आपकी उस वक्त की जो हेल्थ काफी स्लिम ट्रिम में भी थे, आज भी बरकरार वैसे और टचूट, तो वो कैसा था, वो जनरेट कैसे करते थे पावर? क्या होता है इट्स यू नो मेरे को तो इतना क्रिकेट का टाइमिंग बीमिंग ये सब कुछ चीज मालूम नहीं थी, लेकिन क्रिकेट में मैं बता सकता हूँ, मैं टेनिस बॉल बहुत बाद में खेला, मैं सीजन बॉल पहले खेला है क्रिकेट यू नो, और टेनिस बॉल बाद में खेला हूँ, तो जो डिफरेंस रहता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सीजन बॉल का एक ये अलग ये रहता है कि आप अगर बॉल मिडिल करेंगे टाइम करेंगे तो बॉल गोली जाता है, बहुत जोर से जाती है गेंद यू नो, और आप कितने भी जोर से मारेंगे ना टेनिस बॉल में कैसे जोर से मारेंगे ताकत मारेंगे तो बॉल जाता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं रहता, इधर तुम्हारा टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई साइट और फुटवर्क वो बेहतरीन, अगर वो रिदम रहता है, अगर वो रिदम मिल गया आपको तो यू आर थ्रू, यू डोंट रिक्वायर दैट पावर यू नो। अभी मैं कभी मेरा जिंदगी में ऊपर नहीं मारता था, मैं संदीप पाटिल का बहुत बहुत बड़ा फैन है, आज भी मैं सुनील गावस्कर के साथ भी खेला हूँ, संदीप पाटिल के साथ, संदीप का इम्पैक्ट वो स्कूल डेज में बहुत था, क्योंकि वो बहुत बड़े लंबे लंबे शॉट खेलने का और किसको भी मारने का वो, और लेकिन वो कैसा मारता है उसकी बैट कैसी आती है वो देख देख के मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता था, फिर उसको बहुत फॉलो करता था मैं, और एक ही चीज थी उसमें टाइमिंग, अगर आप बराबर बॉल टाइम करेंगे तो बॉल निकल जाती है, सो यू डोंट रिक्वायर दैट पावर यू नो, दैट आपका वो थोड़ा रिस्क में पावर होना जरूर रहता है, और तुम्हारा फुटवर्क अगर ये दो तीन चीज अगर जम जाए और आपको रिदम मिल गया तो यू आर थ्रू। तो ये स्कूल क्रिकेट खेलते खेलते फिर आपका आरिशियल गाइल्डशील्ड हो गया, कॉलेज में आप गए, तो कॉलेज में आप कुछ भी ट्रॉफी पे मेरे ख्याल से आप उस समय खेले ना आपके इसमें 19 में। यस बॉम्बे स्कूल खेला हूं मैं, बॉम्बे स्कूल खेले, तो सर अपने श्री उस वक्त के कोई टीम मेंबर और आपकी जो टीम के बारे में बताओगे आप मुझे? मेरे वो टाइम में नकुल रेगे करके एक बॉम्बे स्कूल खेला, ही सेटल नाउ इन द यूएस, फैंटास्टिक क्रिकेटर यू नो, ही वाज ऑलराउंडर, वो मेरे साथ टेरसे में भी था, अभी दिलीप बुलानी था मेरा कैप्टन, वो अभी इज बिकम बिजनेस मैन, लेकिन क्रिकेट में एक नकुल रेगे ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज स्टूडियस करियर स्टडी करियर ही हैज लेफ्ट इन बिटवीन यू नो, बट स्टिल यू नो वो सीए बन गया, लेकिन वो खेलता था
कॉलेज के लिए, उसको वो टाइम कैसा था कि स्टडीज में अच्छा रहेगा तो यू नो दे नेवर समटाइम्स यू नो अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है सीए बनना चाहता है तो उनको कंसिडर नहीं करने की। अभी आज भी वो मेरे साथ कभी बात करता हूँ करता है नकुल रेगे, तो उसको एक थोड़ा सा फीलिंग है कि मैं भी अच्छा क्रिकेट जरूर खेलता था लेकिन मेरे को निग्लेक्ट किया आफ्टर प्लेइंग बॉम्बे स्कूल, उसको कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि बोलते नहीं नहीं तो क्या तू थोड़ा बहुत आएगा खेलेगा और निकल जाएगा स्टडीज करने के लिए, बिकॉज उसने वो सीए का ये करियर ये किया था चूज किया था। तो एक नकुल रेगे था लाइक, और बाकी एक अब भालचंद्र आठले करके था, ही इज नाउ रिटायर्ड फ्रॉम द आईडीबीआई, वो भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला बॉम्बे स्कूल अंडर 19 ट्रॉफी का, तो ये नकुल वगैरह के साथ में आप भी खेले। उसके बाद में आप सबसे बड़ी बात है कि आपको दादर यूनियन में कैसे एंट्री मिली आपको? वो एक मेरे लाइफ में क्रिकेटिंग करियर में तो सब ऐसे ही एक्सीडेंटली सब हो गया है, और मेरे को अपॉर्चुनिटी भी ऐसा गॉड आई थिंक मेरे को ईश्वर की बहुत बड़ी देनगी है लगता है कि मेरे को अपने आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आने की यू नो, और मैं क्लिक होने का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लिक होएंगे तो ही आप अगर अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इंटर कॉलेज का फाइनल खेल रहा था और मेरी टीम 10-11 रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, मैं खाली स्कूल से आया था बॉम्बे स्कूल खेल के और मैं 11वां बंदा था टीम का, और इतनी तगड़ी साइड थी हमारे 10 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेलने के हमारे टीम में इंटर कॉलेज में, मैं सिद्धार्थ कॉलेज में था, और वहां से तो फाइनल खेल रहे थे हम लोग अगेंस्ट रिया, संदीप पाटिल वाज रियाज कैप्टन और उनके कोच सर वासु परांस पे, उनका बहुत मेरे लाइफ पे एक इम्पैक्ट है यू नो, ही वाज माय एक्चुअली गुरु, जो एक सर्टन इसके इसमें आपको जो मिलते हैं ना जी, उन्होंने मेरे को जो वो जो चुना ना, उन्होंने जो क्रिकेट मेरे को सिखाया और यू नो ये किया वो दैट वाज, मैं उसका मीन्स मैं स्पीकलेस होता हूँ यू नो, मैं इमोशनल होता हूँ, उन्होंने उतने इतना यू नो इतना प्यार से मेरे को क्रिकेट सिखाया और जो कॉन्फिडेंस दिया लाइफ में यू नो दैट इज समथिंग जीनियस। तो वो उनके कोच थे और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इंटर क्वार्ट खेलने के पहले मैं टाइम शीट एड इवन टाइम, दैट वाज आल्सो ब्यूटी माय यू नो ब्यूटी पार्ट ऑफ द लाइफ यू नो क्रिकेटिंग लाइफ का। हाँ कि मैं जिस दिन मैं कॉलेज का ये किया, एक वीक कॉलेज गया और एक वीक में मेरे को रेलवे ने जॉब दिया, वेस्टर्न रेलवे ने मेरे को उठाया और एक सुरवे करके वो हमारे मैनेजर थे, बहुत सुरवे सर, हाँ सुरवे सर, बहुत अच्छी आसामी थी और उनके भी उनको एक ये था कि उन्होंने मेरे को कहा तो भी देखा था और मेरे सीनियर्स गुरु गुप्ते और आनंद सोलकर और चंदन गुप्ते, इन्होंने कुछ बताया था मेरे बारे में, क्योंकि गुरु और गुरु गुप्ते और मैं श्याम जी एक था, आपको भी पता होगा, तो ये तो थोड़े सीनियर थे, तो इन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था और मेरे को अब मैं कॉलेज गया और इमीडिएटली मेरे को एक वीक में मेरे को रेलवे ने उठाया और मेरे को जॉब दे दिया। तो अब इट वॉज यू नो ये सब मेरे लिए सब ड्रीम था ऐसा यू नो, मैं कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं ये इसके लिए खेल रहा हूँ इसके लिए खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं था, मैं जैसा मिलता मेरे को जो मिला अपॉर्चुनिटी मैं खेलते गया इट इज लाइक दैट। तो वो मैच था इंटर कॉलेज का फाइनल जो था, तो तब तक मैं उसके पहले मैं सेमीफाइनल तक मैं टीम में था, सेमीफाइनल में आई वॉज ड्रॉप्ड इन इंटर कॉलेज, अच्छा, और फाइनल में अगेंस्ट अभी 11 में खेलने का नहीं खेलने का, उसके पहले 3 दिन पहले मेरा टाइम शूट का मैच हो गया रेलवेज और महिंद्र एंड महिंद्र, और वहाँ अगेंस्ट महिंद्र एंड महिंद्र बहुत अच्छी टीम, पांडुरंग सालगवार, ही वाज यू नो फास्टेस्ट बॉलर फ्रॉम द कंट्री यू नो दैट टाइम, एंड प्राइम में थे, तो उनको मैं फेस किया और आई गॉट सम 50 odd प्लस odd, माय फर्स्ट बिग मैच करियर यू नो लाइक स्पोर्ट माय स्टेपिंग स्टोन यू कैन से। अच्छा, तो वो वहां मैं जो बैटिंग किया और वहां आपको बिली नहीं करेंगे, आपने जो फैशन स्ट्रीट था ये किस्सा हो गया, तो उधर वो सब ये फैशन स्ट्रीट भी नहीं था, उसके सब बेंच थे बैठने के लिए और छोटे छोटे झाड़ रहने के, तो वहां हमारे इधर इंडियन कैप्टन लाला अमरनाथ जी
वो अपने बेटों की मैच देखने आए थे, क्योंकि मेरे मैं हम लोग जहाँ क्रॉस मैदान पे खेल रहे थे सुंदर ग्राउंड पे, महेंद्र और रेलवे, तो ए डिवीजन का दूसरा मैच नेशनल पे चालू था बाजू में, और वहाँ जेके और स्टेट बैंक का मैच चालू था, और स्टेट बैंक में 8-9 मोइंदर जेके के लिए खेला करते थे ना। हाँ 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 वही ना, 8-9 वो तो मैं बताता हूँ ना कि वहाँ 8-9 टेस्ट प्लेयर्स थे, करंट टेस्ट प्लेयर, उसमें सुरिंदर अमरनाथ, मोइंदर अमरनाथ, सलीम भाई, सलीम दुरानी साहब, बाद में करसन घावरी, मेरा कैप्टन राजेंद्र जडेजा ऑल्सो यूज टू प्ले फॉर देम, यू नो मेरा एक्चुअली वॉज हीरो, यू नो, और वो बहुत बहुत बढ़िया क्रिकेटर था, और सब बड़े बड़े हस्ती खेल रहे थे, और सामने अजीत साहब, हमारे मेरे फेवरेट क्रिकेटर, यू नो लाइक दैट, सुनील के बाद वो मेरे को, क्योंकि उनके साथ मैं क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मैं उनको बहुत कम खेला, लेकिन वेरी स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर आई हैव सीन, यू नो दैट, तो वो उनकी मैच चालू थी स्टेट बैंक और उसमें, और वो लाला जी उनके बेटे की मैच देखने आए थे, और ही यूज्ड टू वर्क फॉर रेलवे, तो बोले मेरे दोनों टीम खेल रहे हैं, रेलवे की भी टीम खेल रहे हैं और मेरे बेटों की भी क्रिकेट खेल, तो मैं दोनों मैच देखूंगा करके वो बीच में बैठे थे उधर कट्टे पे, और मैच तो उन्होंने मेरी इनिंग देखी और मेरे को मैसेज भेजा उन्होंने आउट मैं होने के बाद सुरवेश सर के पास कि वो जरा बेटे को भेज देना, वो जिसने अभी 50 बनाया उसको, और मैं वो मेरे को ये कुछ मेरे को मालूम नहीं था कुछ क्या, मैं बहुत ये था मीन्स क्रिकेट में कौन है क्या, मेरे को ऐसा कुछ यही नहीं था, कौन फेमस क्रिकेटर है, दो तीन क्रिकेटर मेरे को मालूम था, उसमें मेरे को एकनाथ सोलकर का नाम याद था क्योंकि टेरसी बिरसी खेलता था मैं वहाँ, अशोक मंगल और इसको देखता था, बाकी सुनील गावस्कर दो चार नाम खाली मेरे को मालूम थे, तो उनका मैं आशीर्वाद लिया और उन्होंने जो बोला वो मैं फॉलो किया, उन्होंने भी बताया सेम वे कि बेटा किसका मत सुना, बहुत बेहतरीन बैटिंग किया है और किसका सुनना मैं ये ऐसा कंटिन्यू करना, बिल्कुल, तो आप जरूर एक ना एक दिन अच्छा ऊपर का क्रिकेट खेलोगे। तो जब भी मैं घर में आके जब भी डैडी को बताया, अरे बोलता है अरे ये बोलता है बहुत बड़े आदमी है, वो पाव भी छुआ कि नहीं उनके बोले ना डेफिनेटली मैं पाव भी छू के आया हूँ, बोलता है अरे बहुत बड़ा और क्या चाहिए तेरे को, आज बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है तेरे को, यू नो, सो आई वॉज वेरी लकी, यू नो, कि और उधर और जिमी वैसा आपको भी पता है कितना टेरर था, वो मेरा एक आइडल था, एक जुनून था, एक यू नो जो फाइटर क्रिकेटर करके, तो उसका मैं बहुत बड़ा फैन था, और उधर और वो इनिंग मेरा कैप्टन ने देखा, राजू जडेजा ने, ही वॉज प्लेइंग फॉर जेके, ओके, उधर और टाइगर वॉज लीडिंग, कौन, नवाब पतौड़ी सर, मंसूर अली खान पतौड़ी, वो जेके की साइड लीड कर रहे थे, क्या साइड थी वो जो, हाँ, तो उधर मेरा कैप्टन ने देखा मेरा नॉक, और फाइनल दो दिन के बाद फाइनल चालू हो गया हमारा, वानखेड़े पे मैच था, और उधर संदीप पाटिल कैप्टन और हमारा कैप्टन राजू जडेजा, हाँ, तो अभी 11 निकालने के वांदे, तो उधर भी मारामारी हुई है, तो हमारे एक रेलवे का आपको पता रहेगा एक अनवर शेख करके एक प्लेयर था, इज टू प्ले फॉर रणजी ट्रॉफी ऑल्सो रेलवे के लिए, तो वो कुछ आया नहीं, ऐसा कुछ हो गया, और जो दो जन में एक जो एक का चांस मिलेगा, तो दोनों को चांस मिला हम लोग को, तो उसमें भी मारामारी थी कि किसको खिलाने के, लेकिन मेरे लिए मेरा कैप्टन राजेंद्र जडेजा, वो प्रभु देसाई करके सेक्रेटरी थे, वो हमारे क्रिकेट भी अपने कॉलेज का क्रिकेट देखते थे, तो उनके साथ मेरा कैप्टन ने झगड़ा किया मेरे को, तो आप किसको भी ड्रॉप करो, लेकिन मेरे को श्रीधर मांडले चाहिए टीम में फाइनल में, क्या बात है, क्योंकि नहीं तो क्योंकि उसने मेरा वो इनिंग देखा था 50, और वो बहुत कुछ हो गया, वो रामायण महाभारत हो गया उसमें, लेकिन मैं दोनों को हम लोग को चांस मिला, और यू वोंट बिलीव हम लोग टॉस जीता और बैटिंग हम लोग कुछ, मेरे को उसने बताया कि तेरे को ओपनिंग चांस में नहीं मिलेगा, क्योंकि गुलाम परकार था और कोई तो भी मेरे को याद नहीं, कोई एक ओपनिंग बैट्समैन था दूसरा, और तीन नंबर राहुल मंकड़, चार नंबर इब्राहिम अंसारी जो मेरा रेलवे का कैप्टन था इंडियन रेलवे का, उसके बाद मेरा कैप्टन राजेंद्र जडेजा, उसके बाद शामजी, और मैं 7 नंबर पे बैटिंग पे आया, यू वोंट बिलीव, तो जब तक 200 भी हुआ था, एक राहुल मंकड़ ने किया था, उसके बाद मेरा कैप्टन ने किया, तो मैं एंट्री मारा वहां, तो मैं पैड डाल के मैं था, मेरे को आदत नहीं ना मैं ओपनिंग बैटिंग करने का, मेरे को मैं कंटाल गया था, मैं बोला जान दो अभी जाके इधर उधर, ऐसा मेरे को मेरा मूड ही गया था कि मैं क्या करेगा, अच्छा। अभी जाके मिला तो मिला, लगी तो लगी, नहीं तो बनी तो बनी, तो अब्दुल गनी वो हिसाब से, क्या बात है, हाँ मैं घुस गया ग्राउंड में, एंट्री किया, और राजू मेरे को बताया मेरा कैप्टन, श्रीधर देख
तेरे लिए बहुत झगड़ा हुआ है, तू तू वो प्रेशर मत लेना, जाके फ्री कल का जो इनांग जो नॉक था ना वो कंटिन्यू करना, बिंदा जाके खेलना, आई एम कॉन्फिडेंट यू यू आर गोइंग टू स्कोर द रन। उसने देखो मेरे को, मेरे जो कैप्टन भी अच्छे अच्छे मिले ना, तो मेरे को जो कॉन्फिडेंस दिया उसमें मैं निकल गया बहुत, यू नो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे जलाल, तो और उधर मेरे को किरण मुकाशी बोलिंग कर रहा था, तो मैं स्पिनर को पीपल यूज टू से मैं बहुत अच्छा खेलता है, स्पिटे पॉड होता है, ये होता है, लेकिन मेरे को नया बॉल खेलने में वो जो थ्रिल रहता है वो बहुत अच्छा लगने का। तो मैं एक्चुअली बोला था यार ये डायरेक्ट स्पिनर को खेलने का, तो यू नो स्पिनर को खेलने का स्किल रहता है जरा, आगे पीछे जाना पड़ता है, तो और मैं ऐसा सिंगल फसली था, तो डिफेंस करना मेरे को मेरा ब्लड में नहीं था, आई कांट प्ले, यू नो मैं वो टाइम में तो मैं जगह पे खेल ही नहीं सकता था, जो डेड डिफेंस बोलता है ना वो मैं कभी करता ही नहीं था, आगे जाके थोड़ा आगे आके फिर मैं बॉल दबाने का, इट इज लाइक दैट, यू नो माय डिफेंस करने का तरीका भी अलग था। तो वो यू वोंट बिलीव, तो वो इधर मैं कुछ और इतने में श्याम जी मेरा पार्टनर बैटिंग कर रहा था रेलवे का, वो बोला अरे मैंडल मेरे को निकनेम सुनील ने रखा है नाम दो दादर जाने के बाद, तो उसने बोला कि मैंडल ये इधर ये अपना है, तेरे को अभी नया बॉल मिलेगा, उधर विजय अलवा और अपना टेरसी का बॉलर था वो उधर खेलता था, विनीत वाडकर जो रणजी ट्रॉफी खेलता था उधर बड़ोड़ा के लिए, तो इन लोग को अभी नया बॉल ड्यू है, थर्ड न्यू बॉल, तो तेरे को वापस विल एंजॉय द बैटिंग, तो तू जल्दबाजी मत कर, थोड़ा रुकना। तो उसने मेरे को जरा टाइट रखा, इसलिए मैं वो उधर थोड़ा सा सेटल हो गया, तो मैं तो चालू था, मैं आया तो तीन चार बाउंड्री फटाफट मारा भी, लेकिन उसने मेरे को दबा के रखा, बोलना जरा स्टेडी रहना स्टेडी रहना, क्योंकि मैच अभी के आधा घंटा बाकी है, तो नहीं तो आउट होएगा तो क्या अच्छा मौका जाएगा वापस अपने को फाइनल भी जीतने गए, तो वो मैं रुक गया, और इमीडिएटली उसने एक 25 मिनट बाकी था और संदीप ने थर्ड न्यू बॉल ले लिया, और वह तो मैं तो खुश हो गया। बाद में जो चालू हो गया मैं, और सर वासु सर उधर हाफ पैंट में बैठे थे, यू नो हाउ ही इज, यू नो, तो वो एकदम एकदम इतने खुश हो गए, बोलते अरे ये वेस्ट इंडियन एक कौन बैटिंग कर रहा है यार, ये तो चालू ही होता है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो ही दिन मेरे पर इतने खुश हो गए वो, तो आई वॉज सम बैटिंग एक आधा घंटे में कुछ 70-80 पे, मैं श्याम जी को भी क्रॉस किया, ही वॉज बैटिंग, मैं जब भी गया तो 35 पे था, तो मैं उसको क्रॉस करके मैं 80 पे कुछ बैटिंग था एंड ऑफ द डे, और ये सब हो गया, और नेक्स्ट डे मैं जब भी आया बैटिंग को, तो मैं पैड बीड बांध के हम लोग तैयार रहे थे ना, तो बिफोर द गेम तो सर आए, वासु सर आए और मेरे को बोला ये फॉर्म इस पे साइन करना, तो मैं बोला अभी ये क्या है नया चक्कर, मैं पहला सर आगे करके मैं एकदम उठ बीट के उनको विश किया, गुड मॉर्निंग किया, और बोला सर क्या कौन सा फॉर्म है, बोलते ना यू आर प्लेइंग फॉर दादर विनन, तो मेरा मैं ऐसा ना श्योर होने लगा, क्योंकि वो टाइम में दादर नाम ही इतना बहुत बड़ा था, यू नो, तो उधर उसको खेलने का बोलते वो इंडियन टीम में आना इजी था बोलते हैं, बट दादर के टीम में आने का इतना डिफिकल्ट था बॉम्बे का, और इसमें ऐसा ही था, तो मैं एकदम डर गया, तो मैं बोला सर क्या बोलते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं खेलने का क्या मेरे को, कि यू आर, मेरे को बोला अरे तू दादर को खेल रहा है, तो मैं एकदम मैं स्पीचलेस हो गया, मेरे को बस मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहा था, तो मैं बोला सर मैं तत्पापा होने लगा, यू नो, बोलते नहीं खेलने का क्या, मैं बोला नहीं नहीं सर खेलने का है, लेकिन अभी बोलता नहीं इधर साइन कर और ये घर पे लेके जाना और डैडी का साइन लेके आना, क्योंकि गार्डियंस का भी साइन लगता था वो टाइम में, तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं बोला लाइफ मेंबर का ये फॉर्म है, तो मैं बोला अभी इतनी फीस दादरन को खेलने का तो बहुत बड़ी फीस रहेगी, तो मैं बोला सर फीस बीस क्या है वो सब मैं देख लूंगा, बाद में देख लेते हम लोग, सो ऐसा मेरे को, और उधर मैं मेरा बैटिंग चालू, उधर मैं पहले में फॉर्म मेरे को कमिट भी किया मैं कि मैं दादरिन को खेल रहा है, मैं सच अ बिग थिंग इन माय लाइफ, यू नो, तो ऐसा करके मेरा एंट्री हुआ दादरिन में, तो सर का बहुत बड़ा हाथ है, सर ने वो टाइम मेरे को पहचाना कि सर ये बच्चे में कुछ दम है, और उसने डायरेक्ट उन्होंने बताया कि नहीं तू खेल रहा है दादरिन को, जो कॉन्फिडेंस वो मेरे को दे दिया है ना वो लाइफ लॉन्ग तक रह गया, यू नो, मेरे ऊपर, तो ऐसा मेरा एंट्री हुआ दादरिन में, तो और नेक्स्ट डे इमीडिएटली मैं 100 भी किया उधर, और मैं छूट गया, मींस ऐसा कैसा कि वो कॉन्फिडेंस जो था मेरे को एडीओन में, जो अगर वो टाइम में एडीओन में सब टेस्ट प्लेयर्स खेलने के, अभी तो कैसा, अभी का दौर कैसा, अभी क्रिकेट भी ज्यादा हो गया, यू नो, बच्चे लोगों को रेस्ट नहीं मिलता, इतना क्रिकेट हो गया, आईपीएल, T20, वन डेज, रणजी ट्रॉफी, टेस्ट, तो उनको रेस्ट भी चाहिए, उनका भी बराबर है, लेकिन व्हेनेवर यू गेट टाइम आई फील
कि यू मस्ट प्ले फॉर योर कंपनी, अगर कंपनी रहेगी, बैंक रहेगी आपकी, क्योंकि अभी पहले तो कैसा हम लोग को एक सिक्योरिटी रहने की, यू नो, हम लोग को एक जॉब मिल गया तो हम लोग एक सिक्योरिटी रहने की कि अभी हम लोग फ्री खेल सकते हैं, अपना करियर कुछ बना सकते हैं. लेकिन जब तक आपको सिक्योरिटी नहीं रहती है फाइनेंशियली, तब तक आप सिक्योर नहीं रहते. तो अभी कैसा बच्चों को सिक्योरिटी भी है लेकिन जॉब भी अभी जॉब तो मिलते नहीं है. और बड़े बड़े क्रिकेटर्स को जॉब देते हैं उन लोग, ओनली आई थिंक सम पब्लिक सेक्टर्स और रेलवे यही खाली जॉब देते, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलता है. तो आई फील कि एटलीस्ट whenever you get time, at least couple of match you must play for the with the youngsters, all the big player like who are representing country IPL, IPL, क्योंकि उनका जो experience रहता है वो youngsters को बहुत जरूरी रहता है. जैसे हम लोग सुनील मिल के साथ खाली आजू बाजू में रह के हम लोग सीख गए, तो हम लोग का जो fear था, जो डर था ना, वही चला गया कि हम लोग को ऐसा लगने का, अरे हम सुनील के साथ जो हमारा गॉड फादर, जो हमारा हीरो है, उसके साथ अगर हम खेल रहे हैं तो बाकी लोग तो क्या है, मच्छर ही है. अभी जो आपने यूज किया वही है, वो मच्छर ही था. मच्छर के वैसे हम लोग का गिनती, हम लोग कैसा बिंदास के इतने फ्री हो गए हैं ना हम लोग. वास्तु सर और सुनील गावस्कर साहब का बहुत बड़ा रोल है हम लोग का इसमें, यू नो, लाइफ में. तो इसलिए ये जरूरी है, इन लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, यू नो, ऑल बिग प्लेयर्स के लिए थोड़ा बहुत, कि जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं या बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बहुत तो क्रिकेट उनको भी आपका एक फर्ज बनता है. तो उसके उसमें क्या है, आप जूनियर क्रिकेटर्स को तैयार कर रहे हैं, आपको देख देख के वो छोटे क्रिकेटर्स बड़े होते हैं. तो एक मैं एक आपको एक ये देना चाहता हूँ इस माध्यम से, मैसेज देना चाहता हूँ. ग्रेट एसेट एज वेल यू नो प्लेजर फॉर द यंगस्टर्स. देखो ना, मीन्स करियर कैसा चेंज हुआ, रेलवे का मैच इनिंग आपका एक क्लिक होना, लाला अमरनाथ सर देखना, उसके बाद में कोइंसिडेंस बोलते ना, स्टार सब जम के आते, जैसे कि आपका जडेजा जी बाजू में बैठ के मैच देख रहे हैं, नेक्स्ट डे आपको कॉलेज के लिए फाइटिंग होती है, फिर भी वहाँ इनजस्टिस हुआ, ओपनिंग बैट्समैन की जगह पे 6 नंबर बैटिंग आ गया ड्यू टू जो बैटिंग लाइनअप था आपका, और सिद्धार्थ कॉलेज का जो टीम पूरी मुंबई की टीम, प्रभु देसाई सर जो थे पूरी मुंबई टीम ही खेला करती थी. Yes. और उस बार जाके देन यू प्लेड 600 अपना 100 रन बनाया 100 के बाद में 8 नंबर पे आके, वो भी देखो इस वक्त एक बात ऐड करना चाहूंगा कि श्याम जी कनौजिया जो धोबी है अपना बात है, तो उसका जो सजेशन था कि नया बॉल आने वाला, मीन सी ये होता है क्रिकेट एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस काउंट होता है, और सेम दूसरे टाइम वास्तु सर का आपको लेटर लेके आना. तो देखो कितने सारे जो मीन्स कैसा होता है कि नॉकिंग डोर क्रिकेटर के लिए हर चीज अपॉर्चुनिटी होती है, बराबर है. हाँ, तो ये रहा आपका दादर एनन तक का सफर. दादर एनन टीम के मैचेस के बारे में क्या कहोगे आप? दादर एनन बोलेगा तो द बेस्ट टीम आई एवर प्लेड. मींस रणजी ट्रॉफी खेला मैं, वेस्ट जोन खेला, इधर बाहर भी प्रोफेशनल भी खेला, लेकिन जो दादर एनन को खेलने को जो मजा आने का ना, वो किधर नहीं मिला, नेवर, यू नो, क्योंकि एक पता नहीं, हम लोग तो छोटे थे जब ही, हार्डली 18-19 साल के थे, 17-18 साल का था मैं दादोरेन ज्वाइन किया तभी. मायसेल्फ सुभाष क्षीरसागर मेरे साथ ज्वाइन किया, गुलाम शेख वो तो मेरे से भी छोटा था, वो तो 16 साल का था जब ही दादोरेन ज्वाइन किया था, उसको उठाया था दादोरेन ने. नो दादोरेन इज सच अ वंडरफुल क्लब, लाइक यू नो ऑल सीनियर लाइक लेट माधव मंत्री, बी एस पाटिल, ऑल दिस दे आर लीजेंड्स, यू नो. इन लोग ना बराबर यंगस्टर्स को बराबर ये चूज ये करने के, पहचानने के और उनको ये करके उनको ग्रूम करने के बराबर, यू नो. हम लोग का कभी ऐसा, हम लोग को ऐसा लगा नहीं कि हम लोग किधर इधर उधर कुछ भटक जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट आपको मतलब ऐसा एक अलग जोन का गेम है, यू नो. आपको फेम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है, एवरीथिंग यू गेट, यू नो. अगर और आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत जल्दी भी मिल सकता है आपको शोहरत और पैसा भी. लेकिन ये दादर उनका जो डिसिप्लिन था, That was a beauty, you know, हम लोग सुना था, लेकिन हम लोग जब एंट्री किया उसके बाद हम लोग को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सर, हम लोग को ऐसा डर लगने का. अभी सुना जब कि दादरन की बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है फलाना फलाना फलाना, लेकिन हम लोग जब एंट्री किया जब हम लोग को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसा कोई डांटेगा, कोई ये करेगा, कुछ नहीं. वी आर वेरी फ्री, वी वेर वेरी फ्री, यू नो, क्योंकि सुनील के साथ जब खेलता था हम लोग, सुनील गावस्कर साहब, बाद में वासु परांगपे सर के अंडर खेला मैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं डाला हम लोग के ऊपर. और प्रेशर रहना के भी नहीं, क्योंकि हम लोग के पास 11 ऐसे अफलातून प्लेयर रहने के
कि मैच खाली जीतने का है, ये हिसाब से हम लोग ग्राउंड पे उतरने के, मीन्स क्रिकेट जो गेम बन गया है वो जीतने के लिए है. दैट इज व्हाई ऑल द यू मस्ट हैव सीन ऑल द दादरन पीपल, यू नो ऑल क्रिकेटर्स, दे आर वेरी बैड लूजर बेसिकली. हम लोग को हार पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को वो नशा ही था कि जीतने का ही है. और हम लोग एक एक ट्रेंड था, शिवाजी पार जिम खाना, दादरन बोलेगा तो आठ आठ नौ नौ टेस्ट प्लेयर रहने के, हम लोग के पास कम रहने के, दो चार ही रहने के, लेकिन हम जो ट्रेंड रहने का वो अलग था, वो क्रिकेट ही अलग था. और जो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन बोले तो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन था, पीपल से कि नहीं वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये वो तो सीखते हैं स्कूल में ही सीखते सब, लेकिन जो क्रिकेटिंग जो एबिलिटीज रहता है वो जो डिसिप्लिन रहता है वो अलग रहता है. नहीं अभी यू नो टाइम पे क्या, यस मेन बात ये बताते थे उस वक्त के टाइम में दादर यूनियन और शिवाजी पार्क काफी राइवल्स, मींस आज भी गिने जाते हैं. Right. तो कुछ एक्सपीरियंस, कुछ किस्सा ऐसा कांगालिक मैच का, दादर यूनियन और शिवाजी पार्क का, क्योंकि दोनों भी टीम की टसन बड़ी चलती थी, पब्लिक मैच देखने को आया करती थी. दादर यूनियन के और शिवाजी पार्क जिमखाने के मैच का तो पब्लिक पूरा क्राउड मैच के लिए कम से कम आज रणजी ट्रॉफी में नहीं रहते, मगर उस वक्त आपके 5-6 हजार पब्लिक मैच देखने को बैठा करती थी. नहीं सही बात है, सही बात है. तो ऐसा कोई किस्सा है आपके पास? अरे वो तो राइवल तो अभी भी हम लोग का जो कुछ फेस्टिवल गेम्स हो गए, हम लोग एक जीता, हम लोग वन ऑल है अभी अजीत सर तो अभी यू नो ही इज नो मोर, बट एक जिमखाना जीता और एक दादरिन जीता. उसमें भी मेरे को भी एक छोटा सा किस्सा है कि सुनील वाज नॉट प्लेइंग दैट मैच, यू नो पहले हम लोग पहले मैच तो हम लोग जीत गए थे, तो पहली मैच सुनील पहली मैच भी नहीं खेला, लेकिन ही केम और उन्होंने अंपायरिंग किया. कैन यू बिलीव, क्या बात है, क्या बात है. और उधर उन्होंने जो उसके बाद मैच के बाद भी जो मैच में भी जो कमेंट्री किया, जो ये किया, यू नो एक फ्री ये था. तो लेकिन वो राइवल ही वैसा रहने का कि मैच जीतने का बाबा 10 ओवर का रहने का, तो 20 ओवर का. तो हम लोग जब पहली मैच तो हम लोग आराम से जीत गए फर्स्ट, तो बाद में नेक्स्ट ईयर दो साल के बाद दूसरी मैच हो गई. तो उधर क्या है मैच अंदर बार थी, उन लोग ने ज्यादा यंगस्टर थे एक्चुअली. उधर ऐसा रूल था कि 50 के ऊपर के मैचेस सीनियर्स क्रिकेटर्स को खिलाने का, लेकिन उन्होंने प्रवीण आमरे बाद में अमोल क्या इनको ये सब यंगस्टर इन लोग के लिए खेल रहे थे. तो हम लोग ने भी फिर हम लोग ने बोला अरे जतिन वॉज अ यंगस्टर हमारे टीम में, तो बोला जतिन लेकिन वो टच में, लेकिन बोला जतिन तेरे को खेलना पड़ेगा भाई, इन लोग सब यंगस्टर्स खिला रहे हैं, हम लोग को तो फील्डिंग के वांदे होने वाले हैं, हम लोग सब बुढ़े लोग हैं इधर. तो और उन लोग को कैसा एक मैच हम लोग जीत गए, तो उन लोग कैसा भी करके जीतने का करके उन लोग ने वो टीम बनाया था, ऑल यंगस्टर्स वी आर प्लेइंग फॉर देम, यू नो प्रसाद देसाई एंड ऑल. तो अजीत सर भी थे और यू नो यू वोंट बिलीव माधव आप्टे भी खेल रहे थे, वंडरफुल लीजेंड यू नो. तो वो मैच में भी क्या उन्होंने कुछ अभी मेरे को याद नहीं क्या टोटल बनाया, तो 10 ओवर में वो और हम लोग के 2-3 विकेट जल्दी गए और उसमें मैं बैटिंग को गया, संजय आउट हो गया संजय मांजरेकर और मैं बैटिंग को गया. और यू वोंट बिलीव मैं मेरा प्राइम में इतना फास्ट नहीं खेला उधर, उतना मैं 10 बॉल में 30-40 बैटिंग कर रहा था, मेरे को शॉक हो गया मैं इतना फास्ट कैसा खेल सकता है. तो उसके उधर बाद और क्या सबको चांस देने का करके मेरे को मेरा कैप्टन ने हाथ किया, तो मैं रिटायर्ड होके चला गया अंदर. तो और यू वोंट बिलीव हम लोग कोई स्मॉल डिफरेंस से 2-4 रन से कुछ मैच हार गए. तो सुनील ने प्यार से मेरे को बाद में ये दिया, बोलता तेरे को बोला तेरे को अंदर आने को किसने बोला, कैप्टन कौन है तेरा, अब तो फिर कैप्टन कौन है, मैं बोला यू आर माय कैप्टन. तो मेरे को बोला तू अंदर आया क्यों, मैच खत्म करके आने का, दूसरे को अंदर आने दो, लेकिन तेरे को मालूम है दादरिन का क्या ट्रेंड है, अभी मेरे को अजीत मेरे उधर रहता है बिल्डिंग में रहता है, मेरे को रोज सुनना पड़ेगा कि अभी हमने वन ऑल किया है, अभी नेक्स्ट मैच हम लोग जीते हम लोग जीते. तो इतना ये था राइवल बोलेगा तो, लेकिन आफ्टर द गेम वी आर वेरी फ्रेंड्स, वेरी फ्रेंडली मींस एशेस जैसा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच के टाइम में वो इंडिया पाकिस्तान और एशेस वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वैसा राइवल से खेलते थे और आज भी वैसा वो ये रहता है जुनून रहता है. जब शिवाजी एक था नहीं एक समटाइम्स यू नो वी आर फ्रेंड्स, बट जब वो ग्राउंड पे उतरते तो वो जो खुन्नस रहता ही है, पता नहीं क्या है वो रहता है.
रणजी ट्रॉफी की कोई मेमोरेबल मैच आपकी? रणजी ट्रॉफी में तो मैं ज्यादा मैं मैचेस खेला नहीं, लेकिन आई डिडंट क्लिक यू नो, मेरे को दो तीन यू वोंट बिलीव ऐसा तो मैं एक साथ बोलने को एक अच्छा भी लगता है और दुख भी होता है. मैं 5-6-7 साल स्क्वाड में था, 3-4 साल तो मैं खाली भारत दर्शन किया है, मैं और सुभाष क्षीर सागर क्योंकि 7-7, 8-8 प्लेयर्स मैं एक मैच खेला, बाद मेरे को 6-7 मैच के बाद मेरे को चांस मिला. इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज वेरी टफ टू गेट अ चांस इन द 11 दैट टाइम. तो अंदर बाहर रहने के हम लोग, तो बाद में मैं जब भी इनिशियली आई डिडंट क्लिक मच यू नो, लेकिन मैं संदीप पाटिल के अंडर 85 में जब भी, दैट वॉज माई थर्ड और फोर्थ कम बैक फॉर द बॉम्बे यू नो, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू नो, क्योंकि मेरे को एक अपना बलविंदर संधू ने बताया था कि श्रीधर जिमी अमरनाथ के मोहिंदर के बाद तू ही रहेगा. जिमी ने तो इंडिया के लिए किया 3 या 4 कम बैक, लेकिन उससे भी ज्यादा तू कम बैक बॉम्बे के लिए किया है. सो हैट्स ऑफ यू, इट्स नॉट दैट इजी यू नो, एक बार बाहर जाने के बाद वापस बॉम्बे टीम में आने का. सो यू हैव टू यू नो रियली परफॉर्म लाइक एनीथिंग हेवीली, देन ओनली यू विल गेट चांस टू कम इन द बॉम्बे साइड. तो मैं संदीप पाटिल के अंडर जब भी खेला, जब भी आई वाज इन गुड निक यू नो, मेरे को वन डेज में भी 2-3 मैच में लिए थे, विल्स ट्रॉफी जब भी रहने की आपको पता है वो टाइम वन डे बोर्ड की टूर्नामेंट, बाद में रणजी ट्रॉफी में मैं कुछ 80-90 पे बैटिंग कर रहा था, और उसमें मेरे टाइम शीट में मेरे को एक बॉल लग गया. आई वॉज फील्डिंग, आई वॉज लीडिंग द साइड अगेन निर्लॉन, और मेरे को संजय यवन बैटिंग कर रहा था और मेरे को बॉल लग गया इधर, आई वॉज फील्डिंग एट अ शॉर्ट लेग, और उधर से मेरा सेमीफाइनल फाइनल सब मिस हो गया. तो दैट वाज माय यू नो ड्रॉबैक ऑफ द, तो वो एक ये था कि मैं अच्छा, आई वाज इन ट्रिमेंडस गुड फॉर्म यू नो, आई वाज यू नो नॉकिंग द डोर लाइक यू नो, कभी भी मैं इट वाज लाइक दैट परफॉर्म करो और टीम में आओ, ऐसा ये था एक माहौल था. वेस्ट जोन में भी देवधर ट्रॉफी खेला, उधर भी मैं रन्स कर रहा था, तो वनडेज में वो कभी इधर भी चांस मिलने का चांस था, ये था कभी भी तो वो ब्रेक थ्रू मिलने का चांस था, लेकिन ये जब भी बॉल लग गया मेरे को तो वो मैं आई वाज आउट ऑफ क्रिकेट फॉर 1 ईयर ऑलमोस्ट. और देन यू नो समबडी यू नो टू यू नो बॉम्बे के लिए कैसा रहता है कि आपका चांस लेने के दूसरा वेटिंग प्लेयर वेटिंग पे होता है, हाजिर ही रहता है वो, या वेटिंग पे रहता है. नहीं तो मैं रन्स भी रन्स किया, मैं अच्छा रन्स भी परफॉर्म भी कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग यू नो इट्स इन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, नो रिग्रेट्स, बट आई यू नो आई प्लेड यू नो टॉप बोलर्स लाइक यू नो करसन गावरी कपिल, इनको फेस किया मैं, सो बट आई एंजॉयड माय क्रिकेट यू नो थ्रू आउट द माय लाइफ यू नो. तो सबसे अच्छा बॉलर कौन लगा आपको फेस करने के लिए रणजी ट्रॉफी करियर में, जोन में वगैरह जो भी मैचेस खेले, सबसे अच्छा बॉलर कौन लगा जिसको आप मींस जो जिसने आपको तकलीफ दी बैटिंग करने के लिए, ऐसा कोई बॉलर? वैसा तो आपको एंजॉय आपको मजा आया उसको खेलने में, चैलेंजिंग रहा? मजा तो आने का, जितना तेज उतना मेरे को और मजा आने का, जितना जोर से चलता था उतना मैं बहुत खुश होता था. इसमें थोड़ा सा स्विंग भी आ गया, जो आजकल आपको पता है ना, वो टाइम में हमारे सीनियर थे काफी सीनियर, गोपाल गोली, लेकिन मेरा टीम में एक निर्मल मात्रे था, ये आपको पता होंगे, बहुत जोर से आने का और यू नो और स्विंग बहुत अच्छे करने का, तो इनको मैं हिट करता था, लेकिन जोर से जितने जितने आते थे उनको थोड़ा बहुत स्विंग भी रहता था तो भी चलता था, वो मैनेज करते थे. तो यू नो डिफिकल्ट बॉलर टू प्ले लाइक यू नो कपिल, मनोज प्रभाकर था एक यू नो लाइक यू नो नॉर्थ से, बाद में रॉजर बिन्नी आल्सो यू नो अच्छा मूव बॉल करने का, ही वाज वेरी शार्प यू नो. अपना बलविंदर संधू अच्छा बॉलर था, मींस लाइक मीडियम पेसिस में, लेकिन मजा आने का खेलने को लाइक करसन घावड़ी, देन यूर पांडुरंग सालगांवकर यू नो, इनको जो फेस करने, एक बारून मर्मन वो टाइम में फास्टेस्ट था, जब भी मैं देवधर ट्रॉफी खेला यूज टू प्ले फॉर सेंट्रल जोन, वो ही वॉज नॉकिंग द डोर फॉर द कंट्री यू नो, ये बारून बर्मन करके था, बहुत तेज बहुत बॉलिंग करने का, उसको भी मैं फेस किया, ही वॉज द फास्टेस्ट यू नो, और पांडुरंग सालगांवकर दैट टाइम यू नो, तो उनको खेलने को जो मजा आता था वो किसको नहीं आता था, आई यूज टू एंजॉय. नहीं इसके लिए वो उस जमाने में मेरे हिसाब से जो खड़ूस वर्ड जो आया, खड़ूस क्रिकेटर, मुंबई के जो क्रिकेटर को एक लोगो होता है, एक टैग था खड़ूस क्रिकेटर, तो मेरे ख्याल से ये उस वक्त से ये ट्रेंड चालू हुआ रहेगा. और जैसे कि अभी रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते आप निकल गए, रणजी ट्रॉफी खेल लिया आपने, फिर उसके बाद में एक क्रिकेट चेंज हुआ आपका, आप सिलेक्टर बने. उसके पहले क्रिकेट चालू था वैसा ही, रणजी ट्रॉफी के बाद में उधर ईस्ट अफ्रीका गया यू नो लाइक 5-6 साल में वहाँ खेला एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, जहाँ अंशुमन गायकवाड़, संदीप पाटिल, करसन गावरी,
देश टू प्ले इन केनिया, यू नो, तो वहां भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेरे क्लब के लिए, यू नो, वहां से मेरे को वो शौक पैदा हो गया कि वहां कैसे एज अ व्हेन यू प्ले एज अ प्रो प्रोफेशनल प्लेयर तो पूरा टीम आपके ऊपर डिपेंड रहती है, बोलिंग भी करने का, बैटिंग भी करने का, सब आप मैच कैसा जिताने का वो वहां से ज्यादा सीख गया मैं। तब तक तो मैं एंजॉय करता था क्रिकेट, यू नो, वेरी एज अटैकिंग कि मैच खेलने का, जीतने के लिए खेलने का, लेकिन कैसा है एंजॉय करने का, एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी। और आप कभी हैप्पी रहते हैं, जब भी परफॉर्मेंस करते हैं जब भी हैप्पी रहते हैं, मैच जीतते हैं जब भी हैप्पी रहते हैं। तो ये था, ये तो दादर ने जितना सिखाया वो किधर नहीं सिखा मैं, यू नो, कि मैच कैसा जीतने का क्या। और मेरे कलीग, यू नो, लाइक अपोनेंट्स लाइक चंद्रकांत पंडित वांग्मय, यू नो, ऑलवेज रूम पार्टनर रहने का सुभाष क्षीरसागर, तो चंदू वॉज वेरी क्लेवर, यू नो, वो अशोक मंगल के तालीम में तैयार हुआ था, यू नो, तो उसने मेरे को बहुत अच्छा, उसका वो मेरे को बहुत कंट्रोल करने का वो टाइम में, ही वॉज जूनियर टू मी, बट वो मेरे को हमेशा बोलने का, अरे मैंडल तू थोड़ा खड़ा रहना रे, तू यू जस्ट स्टे देयर, तो तेरा सौ आराम से होता है रे, लेकिन तू रुकता ही नहीं यार, तू चालू होता है तो डायरेक्ट आउट होके ही आता है, तो मेरा गेम ही वैसा है। तो वो टाइम कैसा, वो जो खड़ूसगिरी था वो मेरे में नहीं थी, वो आई टू जस्ट एंजॉय, यू नो, सौ भी होने का वो ऐसा ही वो रिदम में हो जाने के, लेकिन एक्चुअली सौ करने सीखा मैं ये टाइम शील खेलने के बाद, जो मेरे को जो एक्सपीरियंस लगा उधर, क्या एडियन बोलर्स बहुत खड़ूस रहे थे, इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोर 100 इन टाइम एडियन टाइम शील, यू नो, तो वहां का अपना और यहाँ का बॉम्बे का जो स्टैंडर्ड है आज भी, यू नो, कि एडियन अभी तो कम खेलते हैं, लेकिन जो एडियन स्टैंडर्ड जो रहता है कि जब वहां पांच विकेट निकालते बॉलर या सौ रन करते, तो इट इज लाइक, यू नो, नॉकआउट लेवल का वो रणजी ट्रॉफी का ये रहता है परफॉर्मेंस रहता है दैट टाइम, क्योंकि वहां वो टाइम तो आठ आठ नौ नौ प्लेयर रहने के, एक एक टेस्ट प्लेयर यूज टू प्ले, यू नो, तो वो जो खड़ूसगिरी वहां सीखा कि सौ कैसा बनाने का, और वो टाइम अपोनेंट्स में क्या पार्थजी शर्मा, अशोक मंकड़, ब्रिजेश पटेल, इन लोग को एक दूसरा चांस मिला ना, इन लोग सौ नहीं करने के, 170, 200, 250, बिग 100, सुनील गावस्कर, यू नो, ये तो ही इज द गॉड, यू नो, ऐसा मैं क्रिकेटर देखा नहीं जो, एंड ऐसा नहीं है, ही वॉज वेरी, यू नो, ऑल सब शॉट्स थे उसके पास, ही वॉज सो, मीन्स कौन सा भी शॉट कभी भी मार सकता था, ही वॉज दैट गुड, बट उसका जो टेम्परमेंट था, जो पेशेंस थे, दैट वॉज अमेजिंग, यू नो, मैं बोलता था ना, हम लोग बोलते थे कि हम लोग का 1% भी अगर उतना वो पेशेंस और टेम्परमेंट रहता ना, तो हम लोग भी कहाँ के निकल जाते थे, इट वॉज लाइक दैट, यू नो, ही इज अ गाइड, यू नो, टोटली, यू नो, एक ज्ञान भंडार है, यू नो, बैटिंग नया बॉल कैसा खेलने का, यू नो, ही इज टू टेल, अरे बैट नया बॉल तो खेलने का नहीं, खेलने का तो एक मारना आना मांगता है, तुमको शॉर्ट खेलने आना मांगता है ना, तो बॉल हाउ नया बॉल खेलने का ये जो स्किल है वो बॉल कैसा छोड़ने का वो स्किल है, अगर आप अच्छी तौर पर बॉल छोड़ सकते हो तो आप अच्छे बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन बन सकते थे, और वो अभी उसका कैसा है, वो कभी ऐसे ज्यादा बात नहीं करने का, यू नो, ही नेवर यूज्ड टू टेल, यू नो, उसका एक आदत नहीं है, वो अपना रोहन से भी कभी बात नहीं किया करता था अबाउट द कोचिंग एंड ऑल, यू नो, इज अ डिफरेंट ये था वो, लेकिन आप अगर जाके पूछेंगे कि सुनील ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होने का, तो एक हल्का सा स्माइल लेने का, और बोलता है तुम लोग इतने अच्छे खेलते हैं, तुम लोग को मैं क्या बताऊंगा, ऐसे इसके वो बड़प्पन है, लेकिन वो एक आधा छोटा सा टिप देने का बस। तो मेरे को भी वो टाइम इतने एक ही बार मेरे को बताया था कि सीधर क्या रहता है, छूटता है ना, थोड़ा सा वेट करना और क्या, ये ऊपर का लेवल पे, टॉप लेवल पे ना, अरे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कभी हाफ बॉल मिलता नहीं है, शॉर्ट बॉल डालते नहीं हम लोग, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, यू नो, तो ये जो खड़ूसगिरी है, ये जो सीखना है, जो टेक्निक है, वो जब तक तुम लोग डेवलप नहीं करेंगे, तब तक तुम लोग को, अगर आप बड़े सौ नहीं करेंगे तो आपको बड़ा क्रिकेट खेलना बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा वो चेंज आ गया, तो आई यूज्ड टू ट्राई टू स्टे ऑन द विकेट, और मेरे ऑटोमेटिक रन बनने लगे थे, वो जो मैं 90s में भी बहुत टाइम आउट हो गया ऐसा, लेकिन वो सब 90s में तो कन्वर्ट होने लगे, तो ये सब ये गाइडेंस थोड़ा सा ना, क्या आपके साथ थोड़ा सा, यू हैव टू बी ऑल्सो स्मार्ट इन द क्रिकेट, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा होना जरूरी रहता है। हम लोग कैसे रहते थे, हम लोग को ये नहीं था, हम लोग थोड़े मिक्स भजी जैसे रहने के, वो टाइम एक मिक्स भजी वर्ड था कि जो पीछे पीछे रहने के, ये सब बॉम्बे स्कूल खेला जा भी, सब ये सब कॉन्वेंट मिनियन के थे, हम लोग सब सेंट छबिलदास सेंट बालमन के थे, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, तो सब मराठी मीडियम वर्जन के थे,
तो उसमें क्या रहने का, हम लोग सब पीछे पीछे रहने के, he's too scared to talk, you know? लेकिन ये सब सुनील सर के साथ, दिलीप वेंसर का, संदीप पाटिल इनके साथ रहने के, करसन के साथ, ये सब जो स्केयर था ना, ये सब निकल गया हम लोग. और हम लोग के जो पार्टनर थे लाइक बॉम्बे स्कूल के, मेरे पास अंडर 22 जब खेला, आई लेट फॉर बॉम्बे ऑल्सो, यू नो. तो मेरे साथ मेरा कलीग था विक्रम दत्त, ही वाज अ टेरिफिक बॉलर, यू नो, इट्स यू नो रियली अनफॉर्चुनेट नॉट प्ले फॉर बॉम्बे. और सुनील ने तो वो टाइम उसको बोला था कि यू प्ले फॉर द्वादरियन, यू नो. सुनील गावस्कर वॉज वेरी, यू नो, फिदा ऑन हिम. तो लेकिन क्या है, वो एक बचपना था उसको. वो पॉली सर थे, पॉली उमरीकर, उनके साथ, उनके अंडर हम काम करने का, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर बॉम्बे एंड इंडिया ऑल्सो. तो वो उनके क्लब को खेल रहा था, तो उसको वो कंफ्यूज हो गया. तो वो यार उधर सिलेक्टर उधर है और मेरा दादरिन को इधर, मेरे को सुनील इनवाइट कर रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब की, मेरे को दादरिन को खेल. तो एक वो डिसीजन लेने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो गाइडेंस होना बहुत जरूरी रहता है वो टाइम. तो हम लोग को वो सब कुछ आइडिया नहीं था, कोई बैकिंग नहीं था ऐसा. और हमने घर में, मेरे को, मैं क्रिकेट भी खेला, मेरे को डैडी ने सपोर्ट किया. मैं, मेरा पूरा ये जाता है, क्रेडिट जाता है टू माई डैड, यू नो, कि मेरे को अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं क्रिकेट खेल ही नहीं सकता था. क्योंकि मैं, आई वॉज फ्रॉम द, यू नो, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं बहुत बहुत पीटा मार खाया है मेरे मम्मी का, बिकॉज आई वॉज ओके इन द स्टडीज. तो मेरा वो हमेशा चाहती थी कि अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा जॉब कर, ऐसा एक ये मिडिल क्लास का एक ये रहता है, मेंटेलिटी देता है, वो एक टिपिकल ये था माहौल था. लेकिन मेरे को डैडी ने जो सपोर्ट किया, दैट वाज अनबिलीवेबल. तो ही वाज माय, एक्चुअली माय फाउंडर मेंबर. क्या बात है, क्या बात है. तो ये खड़ूसगिरी के पे हम लोग जो आ गए हैं, तो खड़ूसगिरी, ये जो गावस्कर साहब और इनके जो दिलीप एक दफे कुछ चांस ही नहीं, अगर कुछ इधर उधर हो गया कि खलास, पहले 20 हो गया कि दिलीप का 150-200 हमेशा रहने का. टेरिफिक बैट्समैन है, इनको देख देख के हम लोग फिर सीख गए कि साला बड़ा सौ पैसा करने का, यू नो, और खड़ूस कैसा बनने का, यू नो, कि मैच जीतने का तो खड़ूस बनना ही मांगता है ना.